किरण खेर महान निकम्मी सांसद है जी, कोई काम नहीं किया उन्होंने। पहले जो किरण खेर जी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम जो मार्केट में रेडी फड़ी वाले भी हैं इन सबको टैक्स लगा दिया गया। पहले हमारे सांसद किरण खेर थे जी, उन्होंने कुछ नहीं किया। सर कित 10 साल किरण खेर ने की किया कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको जो मिलन जाता है चक्के अंदर कराने की। अब इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, जब ये पूरे अपना टाइम पूरा यहाँ पे लगाएंगे तो फिर देखेंगे इसमें क्या बेनिफिट इन्होंने किया क्या नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और NDA की सरकार जो है वो केंद्र में बनने की तैयारी हो रही है। लेकिन हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में इस बार बड़ा उलटफेर हुआ है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी रही और इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी जो हैं मनीष तिवारी यहां से जीते हैं। आइए यहां के लोगों से जानते हैं क्या कारण रहा है बदलाव का, क्यों इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां से हारी है और क्यों यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हैं और क्या उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को इस बार के जो सांसद हैं उससे। आइए करते हैं लोगों से बात। इस बार आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई है और कांग्रेस पार्टी यहाँ से जीती है, उसका कारण क्या हो सकता है? कारण है कि बेरोजगारी ज़्यादा है, कारोबार नहीं है, गरीब आदमी त्रस्त हो चुका है परेशानियों से, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इसी कारण है कि आपको आगे की जो सरकार आई है तिवार की, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेरोजगारी पहले खत्म हो, गरीब आदमी का ध्यान रखा जाए, महंगाई पे रोक हो, आम जनता यानी कि समझदार हो गई है, सबको समझ है, कोई यानी कि इतना है नहीं कि जो कि यानी कि ना समझे बात को। मेरा कहना तो यही है कि भाई चंडीगढ़ के अंदर खासकर जो यानी कि मजदूर आदमी है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी तिवारी साहब हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, राजनीति में रहे हैं, वो जाके NDA में जाके यानी कि अपनी सरकार को यानी कि बताएंगे कि ये जो हमारे मुद्दे हैं और जो ये काम है हमें कैसे आगे ले जाना है। सर इस बार चंडीगढ़ दे विच लोगों ने एक बदलाव किया, 10 साल पुरानी सरकार जड़ी है उन्हें खत्म करके एक कांग्रेस पार्टी की सरकार ले आंदी है। हाँ जी हाँ जी। तुहानू की लगता है भी कांग्रेस पार्टी के जितण के की कारण ने, भारतीय जनता पार्टी के हारन के की कारण रहे हैं? कारण यही है जी, उन्होंने कुछ काम नहीं करके दिया है, लेकिन हूँ जो अपन इस तो उम्मीद लाई जा सकती है कि ये कुछ ना कुछ अपन करके दूगी, क्योंकि जो पहला सरकार थी उसने इस बारे कुछ नहीं सोचा ना, उन्हें चंडीगढ़ डिवेलपमेंट की, लेकिन जो ये सरकार है इससे अपन पूरी खरी उम्मीद है कि अपन कुछ करके दूगी। नहीं सरकार तो देखो जो केंद्र में जो आप गल करिए हूँ भी NDA की है, आप चंडीगढ़ के सांसद जड़े वो कांग्रेस के आप उन्होंने उम्मीद कर सकते हैं, तो जो सरकार NDA की उत्थे तो ये किमें काम कर सकेंगे क्योंकि ये तो ओपोजिशन के है। सर आप कहना चाहिए बदलाव होना जरूरी है, जो बदलाव होगा BJP 10 साल आई आ उसने चंडीगढ़ वास्ते जो भी कर पर आप उन्होंने माड़ी कह नहीं सकते, लेकिन आप बदलाव इस चीज़ हिसाब न करना चाहते हैं कि आप जो मतलब डिवेलपमेंट आ कि आप नवी सरकार चांस दे के देखते हैं ये कुछ ना कुछ खरी उन्होंने अपने हिसाब न कर अपने हिसाब न कुछ करके दिखाऊगी सानू। रोलिंग जिहड़े नवें सांसद ने मनीष तिवारी, मतलब चंडीगढ़ दे विच की सोचते हो भी किहड़े ऐसे मुद्दे आ जिहड़े वो सॉल्व करन जिहड़े तुसीं उम्मीद करदे हो उहनां तों? मुद्दे यही है जी, जब डड्डू माजरे वाला हो गया जिवें कि डड्डू माजरे वाला ग्राउंड, हाँ जी डंपिंग ग्राउंड हो गया जिवें। अच्छा। और जिवें पार भी देखो तुसीं कैमरा घुमा के दिखाओ जी क्या हाल करिया पिया, विच पत्ते पत्ते खड़े हुए हैं जी, ये पूरे तरीके नाल मतलब साफ सफाई होनी चाहीदी आ, जिवें रोड आ रोड नूं रोड आ जिवें रोड बनाए हुए आ, कुछ रोड ऐसे हैं उन्होंने मतलब कि लुक पा के रिपेयर कराया जा रहा है, उन्होंने चंगी तरह उन्होंने प्रॉपर लैवल ना रिपेयर कराया जाए, मतलब कि कहते हैं कि 10 साल आ जिमें चंडीगढ़ जिमें पंजाब आप चंडीगढ़ एंटर होंगे सी तो उस मतलब कि जो रोड इन प्लेन होंगे सी पता लग जाए कि आप चंडीगढ़ एंटर होंगे। ठीक है जी। हाँ जी, तो लेकिन हूँ जो सरकार आई है उन्होंने इस चीज़ वाल ध्यान नहीं कराया है, तो मैं यही उम्मीद करता कि ये कांग्रेस सरकार आ कि अपने वो पर पूरी खरी उतरे। मनीष तिवारी एक बहुत अच्छे नेता हैं हमारे तौर पे अगर देखा जाए, कल वो रेलवे स्टेशन पे शताब्दी में गए हुए हैं, फिर उसके बावजूद में कोई नेता किसी को
कोई नेता किसी को राम राम बोल के नहीं जाता है या हाथ मिला के नहीं जाता है। मनीष तिवारी कल लोगों से ऑटो चालक है, ऑटो चालक है या टैक्सी चालक है, कुछ भी है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल बढ़िया होया सर। 10 साल किरण किरण की किया, कुछ भी नहीं किया, बल्कि उनको जो मिलन जाता है चक्के अंदर कराने की। बहुत अच्छी गल है सर। हाँ। की मनीष तिवारी तो की उम्मीद कर रहे? उम्मीद यही है जी, साफ सफाई होएगी, चंडीगढ़ का सुधार होएगा। अभी तो जम्मे पड़े शहर दे हैं, ये शहर साढ़े सामने उठा है। 10 साल हो गए मेट्रो में बनते बनते, अब तक तो मेट्रो तो कोई नहीं, सिर्फ मीटिंगा ही होंगी रही, और कुछ नहीं हुआ। अभी तो अपनी जो कांग्रेस की पार्टी आई है ये सबसे बेस्ट है। पहले जो किरण खेर जी थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। हम जो मार्केट में रेड़ी फड़ी वाले भी हैं, इन सबको टैक्स लगा दिया गया हर महीने की तरह, नहीं तो पहले कुछ नहीं देना पड़ता था। आज हमारे लिए तो ठीक है, बाकी जो सरकार आई है काम करेगी, अगली बार भी इसको वोट डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। कांग्रेस ही ठीक है तो मेरे साथ में कांग्रेस ठीक नहीं, मेरे बीजेपी को हमें 10 साल हो गए देखते हुए। पहले हमारे सांसद किरण खेर थे जी, उन्होंने कुछ नहीं किया, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिला उसका। हाँ नहीं, विजयपाल जी, मैं कंपैरिजन की बात कर रहा था कि ये जो कांग्रेस सही है देश के लिए या बीजेपी? कांग्रेस ठीक है। अच्छा, शुभ नाम की जी अपना? पैनुराम जी। पैनुराम जी कितने साल तो रह रहे हो चंडीगढ़ से? 53 साल से। 53 साल से रह रहे हो, तुम कई सरकार देखी है ना? हाँ जी। तो देश हित के विच केड़ी सवार केड़ी वो है जी सरकार? बीजेपी। बीजेपी के कट्टर समर्थक लग रहे हैं? कट्टर। इस एक पार्टी चला सकती देश को, और उसके मुकाबले अभी कोई पार्टी बनी नहीं है, ना बनेगी शायद। नहीं पर जरा पिछले 10 साल तो बीजेपी केंद्र सी, और इतने चंडीगढ़ भी किरण खेर सी। ओके। मनीष तिवारी जी इस बार जीते हैं, बड़े घट मार्जन ना जीते हैं, जो कोई कमी रही होगी ता ही जीते हैं ना जी। ठीक है जी, ये बारे की राय थोड़ी? कमी है वे जो इतने टंडन जी, उन्होंने सारा मतलब घूमे नहीं सारे सैक्टर, कई सैक्टर ने इग्नोर कर दिए। मनीष तिवारी जरा इस बार इतों चंडीगढ़ तो जीते हैं जी। हाँ जी, ये सुधार करेगा कुछ चंडीगढ़ लिए? नहीं कर सकता, क्योंकि सेंटर में NDA गवर्नमेंट है, तो ये पार्लियामेंट में शोर मचा सकता, लेकिन प्रैक्टिकली होना बहुत मुश्किल है कुछ। देखो थोड़ी जान मतलब जी जानकारी तो मैं पता लग रहा थोड़ा, राजनीति की अच्छी पकड़ हैगी जानकारी है। हाँ जी, हम क्यों नहीं कुछ कर सकता, उन्होंने सांसद निधि तो मिलती है, सांसद फंड मिलता है, क्या शहर च नहीं लगाएगा? ओके, उसको मिलेगा 5 करोड़ सांसद निधि, लेकिन वो 5 करोड़ तक सीमित रहेगा, आगे जो उसको प्रोजेक्ट चलाना चंडीगढ़ में उनके लिए पैसा मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो अपोजिशन का तो इसका भी असर होता है। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर यहाँ से बीजेपी का सांसद बनता तो उसको 5 करोड़ से ज़्यादा पैसे मिलते? उसको जो स्कीम में चंडीगढ़ चलनी योजना है कोई स्कीम में, उनके लिए ज़्यादा पैसा मिलता है, एज डिमांडेड, मे बी एज डिमांडेड। नहीं ये तो अंदाजा है आपका, मतलब कोई छोटी तो नहीं इसमें, क्योंकि सांसद है जो अपने क्षेत्र में पैसे लगाएगा। नहीं नहीं जी, जो पावर में गवर्नमेंट थी उसका, और जो बिना पावर उसका में बहुत फर्क होता फंडिंग अलॉट करने में। अच्छा, चंडीगढ़ में इस बार जो सांसद है कैमरे की तरफ सांसद है वो चेंज हो गया? हाँ जी। तो ये चंडीगढ़ के हित में है या नहीं? देखो सर, अब इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, जब ये पूरे अपना टाइम पूरा यहाँ पे लगाएंगे फिर देखेंगे इसमें क्या बेनिफिट इन्होंने किया क्या नहीं किया। सर यहाँ पे थोड़ा सा इनका दोनों पार्टियों का गठबंधन था, इस करके जीत गए हैं वो। अगर वो सिंगल सिंगल लड़ते तो मैं नहीं समझ सकता कि वो जीत सकते थे। चंडीगढ़ से मनीष तिवारी के जीतने का क्या कारण है? मेन तो कारण ये है जी कि जो पहले यहाँ के सांसद थी अपने किरण खेर, महान निकम्मे सांसद थे जी, कोई काम नहीं किया उन्होंने, किसी से मेल जोल नहीं, किसी से कुछ नहीं, थोड़ा सा उनके अंदर अकड़पन था भाई हम बीजेपी के लीडर हैं, ये मेन कारण ये था। कोई मसला हल नहीं हुआ कोई किसी का, गरीब बंदे का, रेड़ी वाले का, रिक्शे वाले का, किसी का कोई भी, कोई 10 साल में कोई काम नहीं किया मैडम ने, ये मेन कारण था। आप शुभ नाम की जी? बलदेव सिंह जी। बलदेव सिंह जी, हाँ जी, हाँ जी। चंडीगढ़ तो मनीष तिवारी के जितने का और सांसद किरण खेर के हारने का की कारण समझ दो तुम? जी देखो जी, तिवारी जितना जरूरी है जी, ठीक है जी, बीजेपी का पहले को साफ होना चाहिए, ठीक है, ये कोई कमी नहीं करता, ठीक है, ठीक है जी, कोई कमी नहीं करते, पंजाब में देखो क्या हाल है, उन्होंने साफ करके रख दें पूरे चट करके रख दें, जनता कुछ भी करे जनता ने देना साफ कि होना, ठीक है जी, जे कि मुड़कर सरकार आ गई साढ़े पल्ले कख नहीं रहना जी, साढ़े पल्ले कख नहीं रहना, कहना भाई बात मत पछतावा लोगों ने जी, होया तो होया क्या होया। नमस्कार सर, की शुभ नाम अपना? बदनाम शर्मा।
शर्मा जी इस बार जो है चंडीगढ़ के जो समीकरण रहे हैं टोटली चेंज आ गए, ये पिछे का की कारण से कि पब्लिक बदलाव चाहती थी या की कारण हो कि इस बार जी कांग्रेस है इतों जीती है तो भारतीय जनता पार्टी जी हार गई इतों। बदलाव वाली गल तो एड्डी कोई नहीं सी, जो सानू समझ हैगी जो असं जानते नहीं सीनियर सिटीजन जो सानू पता है वो ये कि अपना ना जरा कंपेन ज अपनी पॉलिसी नीति जो भी को इलेक्शन लड़न की वो चंगी तरह ना वर्कर जोड़े ना जुड़ के चंगी तरह नहीं कर सके, टाइम टाइम चेंज नहीं जा सके, तो थोड़ी जी ढिल रह गई ओवर कॉन्फिडेंस एक चीज़ हैगी है उन्होंने भी असी के बीजेपी की सीट है निकल जाएगी आराम नाल, क्योंकि मोर ओवर टंडन साहब चंडीगढ़ नाल जुड़े हुए कि सालों के तो आई नो इस एक्सपीरियंस आलसो सा किसी मंत्री मंत्री भी रहे हो तो आई नो इस पार्ट आलसो तो सू बड़ा महसूस आया जो थोड़ी जी वोटा पे बंदा मार्जिन बहुत घट रह गया बहुत घट सी प्लस ये बंदा चंडीगढ़ नाल जुड़े इतना सैटल हो गया दो बिलोंग टू लैक ऑफ मैनेजमेंट और कितना कितने ओवर कॉन्फिडेंस जरा एक रीजन रहा ये कहना चाहते सर। राइट तो सर चलो हूँ जो है पासा पलट चुका सर एक तरीके ना जो साढ़े इतने के सांसद ने हम मनीष तिवारी जी की एक्सपैक्टेशंस है कि वो जो किए हुए वादे पूरे करेंगे चाहिए तो है जो उन्होंने वादे किए हैं इन लोगों पीछे लगे स्पेशली कलोनिया के लोग लॉन्ग टर्म लोग पीछे लगे है उम्मीद तो है कि उन्होंने उम्मीद करनी चाहिए पूरे करने चाहिए है तो ठीक है सेंटर से भी सरकार कोल है इतने जो मैंबर पार्लीमेंट बिजी करते आ गए इन गलों का थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा जी पर फिर भी लोगों को एक्सपैक्टेशन है फिर भी ये पढ़े लिखे पिछों आमदनी लड़का है जानते देखे इसे माता जी बड़े बड़े स्पैशलिस्ट से हैड से हेल्थ डिपार्टमेंट से जानते ऐसी गलती है तो हमने चंडीगढ़ के लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार का क्या कारण रहा है और क्या कारण रहा है कांग्रेस की जीत का और जो जीत चुके मनीष तिवारी जो सांसद बने हैं उनसे क्या उम्मीदें हैं इस बार चंडीगढ़ की जनता को। तो लोगों की अलग अलग राय है अलग अलग विचार हैं, बहुत से लोग उम्मीद जता रहे हैं कि मनीष तिवारी अगर जीते हैं भले केंद्र में उनकी सरकार बने या ना बने लेकिन वो चंडीगढ़ के लिए बहुत कुछ करेंगे। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पिछले 10 साल में जो कारगुजारी रही है भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ में वो एक हार का बड़ा कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के ओवर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। खैर कारण जो भी रहे हों हमारी कोशिश ये है कि हम आप तक लोगों की सही राय पहुँचाएँ। कैमरामैन राकेश के साथ राजेंद्र दत्त अर्थ प्रकाश टीवी।